हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिगर ऑफ स्पीच के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच के इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं और कुछ नए भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल्स द मीनिंग इट डिनोट्स द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक साउंड, जब किसी वर्ड का साउंड रिजेंबल्स होता है किसी मीनिंग को, तो वो क्या डिनोट्स करता है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच जब साउंड की बात करता है, किसी भी वर्ड के साउंड की बात करता है, तो हम एक ही फिगर ऑफ स्पीच की तरफ जाते हैं, ओनोमेटोपिया की तरफ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल्स द मीनिंग इट डिनोट्स फिगर ऑफ स्पीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच साउंड से रिलेटेड है। कहीं भी फिगर ऑफ स्पीच आ गया तो उसमें अगर साउंड की बात कर रहा है तो आप ओनोमेटोपिया पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, द रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। जो वाउल साउंड की रिपीटेशन होती है सीक्वेंस में और वो नियर बाई वर्ड्स होती है, उसे क्या कहते हैं। तो वाउल साउंड की रिपीटेशन क्या कहलाता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असोनेंस। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, वॉट इज़ द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिम्बली। इम्प्लाइड सिम्बली का और क्या नाम है। तो इम्प्लाइड, हम मेटाफर को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड सिम्बली। मेटाफर को ही हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसका सेकेंड नेम है इम्प्लाइड सिम्बली। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर। मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिम्बली भी कहते हैं। नेक्स्ट, वॉट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एबसेंट, आर टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। जो चीज़ें डायरेक्ट एड्रेस होती हैं किसी डेड पर्सन को या किसी एबसेंट पर्सन को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को, हम डायरेक्ट एड्रेस कोई चीज़ करते हैं तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखो, हम एपोस्ट्रॉफी जो है या पर्सोनिफिकेशन है, दोनों में हम क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग चीज़ को ही लिविंग बना के करते हैं। बट एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि उसमें हम एड्रेस करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। ये मेन हमारा है कि उसमें हम क्या करते हैं, डेड पर्सन को, किसी डेड पर्सन को या किसी नॉन लिविंग चीज़ को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करके बताते हैं, तो वो हमारा एपोस्ट्रॉफी हो जाता है। और पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, वो नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब एड्रेस की बात कर रहा है, वो भी डायरेक्ट एड्रेस की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग, एक मिनट, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज एक्सप्रेस बाय वर्ड अपेरेंटली। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जब रियल मीनिंग एग्जैक्टली क्या हो जाती है, अपोजिट वे में हमको एक्सप्रेस होता है, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरनी। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, आयरनी। ओके, नेक्स्ट, वॉट अ फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज इन द फॉलोइंग लाइन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। पूरे अरब की जो परफ्यूम है वो भी इस लिटिल हैंड, मतलब जो मेरे हाथ हैं, उसको स्वीट नहीं, महका नहीं सकता है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, सेंस कौन सा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइपर बोल करके बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, हाइपरबली। ओवर स्टेटमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपिया। इसमें कौन सा वर्ड्स ओनोमेटोपिया है ये कह रहा है। तो यहाँ पे कैरी मिस क्या होता है, ले जाना,
बियर मिस सहना भी होता है, बियर मिस भालू भी होता है, दो मीनिंग हो जाती हैं। फियर क्या है, फियर मिस भय या डर। बग क्या होता है, बग एक प्रकार का कीड़ा होता है और जब वो बोलता है सिर्फ साउंड करता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओनोमेटोपिया पूछा था, तो ओनोमेटोपिया सिर्फ साउंड से रिलेटेड है, जैसे कोई जितने भी इंसेक्ट हैं, जैसे स्नेक क्या करता है, हिस करता है। बी क्या करती है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भिनभिनाती, मतलब कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड ही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बग। ओके मधुमक्खी क्या करती है, जो मधुमक्खियाँ होती है वो हमिंग करती हैं। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस, एक मिनट, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, क्या कह रहा है कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है और जो पेन है वो क्या है, वो जनरल ड्रामा में एक ओकेजनल एपिसोड है। हैप्पीनेस और खुशी को क्या कर दिया है, जो सामान्य नाटक है उसमें एक ओकेजनल एपिसोड बना दिया है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफर। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इस सेंटेंस में कौन सी एपोस्ट्रॉफी है, मैन इज़ द मेजर फॉर ऑल थिंग्स, इसमें तो नहीं है एपोस्ट्रॉफी, इसमें नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, पेट्रियोटिज्म में व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम। तो ये डायरेक्ट क्या कह रहा है, जो पेट्रियोटिज्म है उनको क्या कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। तो एड्रेस का ये भी एक होता है, ये साइन होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये भी एड्रेस करने का एक साइन है। तो यहाँ पे साइन पेट्रियोटिज्म में तो नहीं लगा, लेकिन लास्ट में आके लगा हुआ है। और एपोस्ट्रॉफिक भी यही, हम अगर एपोस्ट्रॉफी पहचानना चाहते हैं ना, तो कहीं किसी भी सेंटेंस में अगर आपका ये मार्क दिख रहा है तो इसी मार्क से हमको पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। और यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है, एपोस्ट्रॉफी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, द पेन इज माइटियर देन शोर्ड। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिटोनमी। मिटोनमी क्या होता है, अ चेंज ऑफ नेम। नेक्स्ट, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लिटोटीज या फिर यूफेमिज्म, एपिग्राम, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मैन इज नो फूल। तो राइट आंसर हो जाएगा लिटोटिस। लिटोटिस कैसे पहचानेंगे, इसमें नो या नेगेटिव वर्ड होता है, जो हम कहते हैं उसका पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। जैसे हम नेगेटिव कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या निकल जाएगा, पॉजिटिव निकलता है। जैसे द मैन इज नो फूल, तो ये लिटोटिस हो गया। और इसमें अक्सर करके क्या आता है, नॉट या नो, नो ही या नॉट या नो जरूर आता है इसके सेंटेंस में, और जिससे हम इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लिटोटिस है। नेक्स्ट, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ पे दो आपके फ्रेज हैं, दो सेंटेंस हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एर मिस क्या होता है, गलती, और फॉरगिव मिस क्या होता है, माफ़ करना। तो कहीं ना कहीं दोनों ये फ्रेज जो आपके हैं, ये दोनों फ्रेज आपके एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है, टू सेंटेंस या टू फ्रेज, टू क्लॉज जो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हों। और ऑक्सीमोरोन क्या होता है, टू वर्ड्स एक साथ आते हैं, टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज। होल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, सैनिक। यहाँ पे सैनिक डिची है कि इमेजरी है कि मेटाफर है या सिंबल है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैनिक डिची। सैनिक डिची क्या होता है, सैनिक डिची को अगर हम हिंदी में नहीं निकालें तो उपलक्ष्य अलंकार है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अंश के लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग होता है। मतलब किसी छोटे के लिए हम उसका पूरा प्रयोग कर लेते हैं और उसके पूरे करने के लिए हम क्या उसका छोटा बता देते हैं। जैसे लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल हम उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे जैसे हमने बोल दिया, जैसे इंडिया ने 6 रन से जीता, हमने क्या बोल दिया कि इंडिया ने 6 रन से जीता।
तो यहाँ पे इंडिया की नहीं बात कर रही है, यहाँ पे इंडिया की जो टीम है, बेसबॉल की जो टीम है उसकी बात कर रहा है कि इंडिया की जो टीम है उसने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, 6 रन से जीत गया। लेकिन हम उसको ना बोल के डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इंडिया की बात कर देते हैं। तो यही सैनिक डे जी है। ओके, नेक्स्ट, द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन। जो राइमिंग होती है वाउल साउंड की वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसोनेंस। वाउल साउंड की जो राइमिंग होती है, रिपीटिशन होती है, वो आपका एसोनेंस है। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन? अलोन, 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 ऑल, ऑल, अलोन, अलोन ऑन द वाइड, ऑन अ वाइड वाइड सी। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन, क्योंकि सेम सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपका एलिट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है तो देख लेते हैं। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी मींस क्या होता है? प्राधिकरण। जो प्राधिकरण के लोग हैं वो क्या है, एक मरे हुए राजा को क्या कर गए हैं, फॉरगेट मींस क्या होता है, भूल गए हैं। तो अथॉरिटी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अथॉरिटी अगर हम देखें, प्राधिकरण किसी पर्सन की बात कर रहा है, बट यहाँ पे अथॉरिटी को ही एज ए पर्सन यूज किया गया है। ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटी क्या है, एज ए पर्सन है जो राजा को भूल गई है। तो जैसे हम बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है, हमने बोल दिया कि प्यार अंधा होता है, तो क्या वाकई में जो प्यार वर्ड है वो कोई पर्सन है? जैसे हम बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि प्यार अंधा है, जैसे प्यार ही कोई पर्सन है। जो हम बोलते हैं कि प्यार ही कोई पर्सन है, प्यार अंधा होता है, वो एक नॉन लिविंग चीज़ है और हम क्या बना देते हैं उसको, लिविंग चीज़ बना देते हैं। तो वही होते हैं आपका पर्सोनिफिकेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज है? फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री। शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय। दोस्ती जो है वो एक आश्रय पेड़ है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? डायरेक्ट फ्रेंडशिप को क्या बना दिया गया है? शेल्टरिंग ट्री बना दिया गया है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कंपेरिजन कर लिया गया है शेल्टरिंग ट्री से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेटाफर। क्या होता है? मेटाफर। यही चीज़ है, मेटाफर में भी दो वस्तुओं से क्या क्या होता है, तुलना की जाती है मेटाफर की, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे तुलना करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। और सिमली में क्या होता है? सिमली में हम एज और लाइक लगा के करते हैं। दोनों में बस फर्क इतना ही है, सिमली और मेटाफर में दोनों में हम तुलना करते हैं दो चीज़ों की, लेकिन सिमली में क्या करते हैं? एज और लाइक लगा के करते हैं, मेटाफर में हम डायरेक्ट कर देते हैं, उसमें एज लाइक नहीं लगता है। नेक्स्ट, मिल्टन दाउ सुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे देखो मिल्टन है, और मिल्टन के बाद ये मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये मार्क डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? अगर हमको नहीं भी पता है ना कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप ये मार्क देख के तो पहचान ही सकते हो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ये मार्क हमेशा एक ही फिगर ऑफ स्पीच बताता है, वो है एपोस्ट्रॉफी। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है? मेटाफर है कि पर्सोनिफिकेशन है कि ट्रांसफर एपिथेट है कि हाइपरबोल है? जो प्लो मैन है वो अपने घर की तरफ जा रहा है अपने थके हुए कदमों से। तो यहाँ वे मिस क्या होता है? रास्ता। लेकिन यहाँ पे रास्ते को सेंस क्या निकल रहा है कि अपने थके हुए कदम। तो वियरी मिस क्या होता है? थके हुए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वियरी एक एडजेक्टिव है और वे क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ पे ये जो वियरी है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कौन सा फिगर ऑफ स्पीच करता है? सिर्फ एक ही करता है, ट्रांसफर एपिथेट। एपिथेट मीन्स होता ही है एडजेक्टिव। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। इसका मतलब हुआ कि जहाँ सुंदरता, जो ब्यूटी है, जहाँ सुंदरता अपनी चमकदार आंखें नहीं रखती हैं। तो ब्यूटी, अब ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ ब्यूटी अपनी चमकदार, अपनी लस्ट्रस आंखें नहीं रखती है। ऐसा लग रहा है ब्यूटी कोई लड़की है, कोई पर्सन है। हम एज ए पर्सन इसको
यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, नॉन लिविंग चीज़ को हम लिविंग चीज़ बना के जब बोलते हैं, ऐसा लगता है कोई लिविंग चीज़ है, तो वही हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। जो केमल है वो क्या है, शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है। तो हमने डायरेक्ट केमल को क्या बना दिया, रेगिस्तान का जहाज बना दिया। हमने ये नहीं बोला कि केमल जो है वो रेगिस्तान की जहाज की तरह है। अगर जहाज की तरह हो जाता तो वहाँ पे क्या हो जाता, फिगर ऑफ स्पीच सिमली हो जाता। लेकिन हमने बोल दिया केमल क्या है, जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है, डायरेक्ट हमने बोल दिया, तो ये मेटाफर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे आप एज देख रहे हैं, लाइक और एज से जब कोई चीज़ें लाइक और एज लगा के तुलना की जाती है तो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमली। और जब लाइक और एज नहीं होता, डायरेक्ट किया जाता, वो मेटाफर है। तो यहाँ पे एज लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एज है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमली है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। लाइक का पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखिए लाइक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, टेबल और पेशेंट के बीच में क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, लाइक लगा के ही कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमली। सिमली में हमको कुछ नहीं करना है, बस अगर सेंटेंस में लाइक और एज आ रहे हैं तो आप आँख मूंद के भी वहाँ पे सिमली को लगा सकते हैं। दो कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको हम कुछ, मतलब कोई ऐसा कीवर्ड है जिसको देख के हम, ट्रिक है जिसको देख के हम तुरंत लगा दें। जैसे लाइक और एज हुआ, अगर किसी सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, लाइक एज लगा है तो हम सिमली पे जा सकते हैं। वहाँ पे साउंड से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है तो हम ओनोमेटोपिया पे जा सकते हैं। और डायरेक्ट वो जो ये जो मार्क आता है ये वाला, अगर हमको नहीं पता है फिगर एपोस्ट्रॉफी का, तो ये मार्क जिसमें लगा होता है, ऐसा नहीं है कि 100% ये काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा 99% तो काम कर जाता है कि ये मार्क जहाँ लगा रहता है वो हमारा एपोस्ट्रॉफी होता है। ओके, कभी कभी ये मार्क भी नहीं लगा रहता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, तो वहाँ पे सेंस निकाल के हमको पता करना रहता है कि यहाँ पे आपका एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं डायरेक्ट। नेक्स्ट, और जैसे आपका वो हो गया लिटू टीज, उसमें नो या नॉट आता है, उससे हमको पहचान जाता है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, लिटू टीज है। ओके, नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, मिटोनिमी है। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो। जो मेमोरी को एक रूटेड सॉरो से क्या कर दो, प्लक कर दो, तोड़ दो। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, प्लक मतलब मेमोरी को रूटेड सॉरो से क्या कर दो, तोड़ दो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरबोल की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इज द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अब यहाँ पे जो होली टाइम है वो चुप है, कैसे चुप है, एक नन की तरह चुप है। तो यहाँ पे एज लगा के तुलना की गई है, एज आया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमली। नेक्स्ट, द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, क्या कह रहा है, द सी मतलब वो समुद्र, दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, जो चंद्रमा को अपनी गोद में रखता है। अब यहाँ पे समुद्र है जो चंद्रमा को अपनी गोद में रखता है, ऐसा लग रहा है किसी कोई पर्सन की बात कर रहा है कि पर्सन अपनी गोद में रख रहा है चंद्रमा को। सी भी एक नॉन लिविंग चीज़ है, मून भी क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है। तो लेकिन हम ऐसा बात कर रहे हैं, सेंटेंस ऐसा बता रहा है कि मानो सी कोई पर्सन है, मानो चंद्रमा कोई पर्सन है जो अपनी गोद में समुद्र जो है अपने चंद्रमा को अपनी गोद में रख रहा है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, जब कोई नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग करके बताए तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है, पर्सनिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट,
द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी अस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू एनिमेट थिंग्स इज नोन एज. यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम निर्जीव चीज़ों के लिए, इनानिमेट थिंग्स मीन्स क्या होता है, निर्जीव, जिसमें हम निर्जीव चीज़ों के लिए इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी का वर्णन करते हैं. मतलब वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम निर्जीव चीज़ों के लिए इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है, बुद्धि और व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं. ऐसा किसमें है, तो ऐसा ही पर्सोनिफिकेशन ही है ना, जो नॉन लिविंग चीज को हम क्या कर देते हैं, लिविंग बना देते हैं. मतलब ऐसा बना देते हैं मानो वो कोई पर्सन हो, पर्सन के अंदर इंटेलिजेंस है और पर्सनैलिटी है कोई. नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, द व्हाट माइटी एट. यहाँ पे सब में आपका वही मार्क लगा हुआ है तो सही है. यहाँ पे वर्ल्ड को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, लाइफ को, टाइम को और जूलियस सीजर को. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट, वॉट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन. यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ माइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एंड शीथ. तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लीप. स्लीप को क्या कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट, पन इज, पन क्या है. पन एक ही वर्ड रहता है जिसके दो मीनिंग होते हैं, मतलब अ प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों पर जो खेलना रहता है, शब्दों के साथ खेलना. नेक्स्ट, द अकेरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग एट एडजेसेंट वर्ड इज. सेम लेटर हो या सेम साउंड की रिपीटेशन होती है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एलिट्रेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स. वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होती है, कभी कभी ये ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन को, एक थिंग को, फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग. कभी कभी ये क्या होता है, जिसमें ये स्ट्रिक्टली बिलोंग नहीं करता, इसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ट्रांसफर्ड एपिथेट. यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर रहा है. नेक्स्ट, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस. यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनिक डिच. नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, शीट, अबर्न, लवलेस्ट विलेज ऑफ प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड अ लेबरिंग स्वैन. तो यहाँ पे सीट ऑबर्न को क्या किया गया, डायरेक्ट एड्रेस किया गया. यहाँ पे मार्क नहीं आया है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है सीट ऑबर्न को, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी. ओके, नेक्स्ट, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग अ डे. जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो शान के लिए लड़ते हैं एंड शिलिंग अ डे, और क्या करते हैं, पैसे भी लेते हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ा दिया है और ला के फिर गिरा दिया है, यानी कि कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग की डिसेंडिंग. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटी क्लाइमेक्स. नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट. यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस. क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटीथीसिस. ओके, नेक्स्ट, द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स. तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपकी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन. नेक्स्ट, ओ मिसचीफ द वर्ड स्विफ्ट टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन. तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए. यहाँ पे ओ मिसचीफ को डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, एपोस्ट्रॉफी है. नेक्स्ट, नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर. नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, उसको गर्व है कि वो सब कुछ जानता है, मतलब उसको प्राउड है कि वो सब कुछ जानता है. विजडम क्या है, वो हम्बल है. यहाँ पे नॉलेज जो है, ज्ञान को ऐसा बोल रहा है कि ज्ञान को क्या है, प्राउड है, गर्व है.
मानो ज्ञान क्या है, एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन ऐसा बता रहा है कि ज्ञान एक प्राउड मतलब ज्ञान को क्या है, गर्व है, जैसे ज्ञान एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट 41 का, सेप्टर एंड क्रोन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रूड साइथी एंड स्पेड। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिटोनिमी। ये कुछ नए हैं जो आपके अभी प्रीवियस ईयर में आए भी नहीं है, सारे नए हैं। नेक्स्ट, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज़ इट्स समिट इन हैवन, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे एज लगा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमली। नेक्स्ट, स्पीच वॉज गिविंग टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, एपिग्राम। नेक्स्ट, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट, एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो ही हु वुड सर्च फॉर पल्स मस्ट डाइव बिलो, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली। नेक्स्ट, दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स, यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 का, डी, एंटीथीसिस। नेक्स्ट, यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर एंड एज इज फुल ऑफ केयर, तो यहाँ पे भी दोनों अपोजिट फ्रेज हैं, सेंटेंस हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। नेक्स्ट, हेल स्माइलिंग मॉर्न, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी। हेल को यहाँ पे क्या कह रहा है, एड्रेस कर रहा है। कैन टू वॉक टूगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे पूछ रहा है कैन टू वॉक टूगेदर, कैन पहले ही लग गया है, इंटेरोगेटिव मार्क आ गया, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेरोगेशन। ठीक है, नेक्स्ट, हेस्ट एंड स्लोली, हेस्ट मिस क्या होता है, जल्दी, स्लोली मिस क्या होता है, धीरे, टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ आए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरोन है। नेक्स्ट, 50 का, यहाँ पे भी आपका फिगर ऑफ स्पीच ही बताना है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो कंट्रास्ट कर रहा दोनों एक दूसरे को, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों को एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, एंटीथीसिस। नेक्स्ट, लव इज एन एडल्ट थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, यहाँ पे भी एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। नेक्स्ट, लेट्स गो टू बेड नाउ, बेड यहाँ पे कह रहा है सोने की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया है, सोने के बेड, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिटोनिमी, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, मिटोनिमी। नेक्स्ट, ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स टेक द ब्लोज, यहाँ पे ह्यूमर को क्या कर दिया है, शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ बना दिया है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, ब्रिंग एस्क्लाम एज अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, एक डार्क और साइलेंट रूम में जब अलार्म क्लॉक होता है तो क्या बजता है, ब्रिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड आ रही है आवाज़, अलार्म बजेगा तो साउंड आएगी, तो साउंड जब भी आए तो एक ही फिगर ऑफ स्पीच पे हम जा सकते हैं, ओनोमेटोपिया पे। ओके, नेक्स्ट, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिग्राम। नेक्स्ट, यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच बताना, लाइन में कौन सी है, बॉयज विल बी बॉयज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिग्राम। नेक्स्ट,
ये सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में. अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज इज टर्म्ड. यहाँ पे वही चीज वही बात हो रही है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन होती है और उसमें लाइक और एज नहीं होता है. तो ऐसी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है अभी हमने बताया. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफर. मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं लाइक एज लगा के नहीं, और सिमिली में लाइक और एज का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं. ओके जैसे वो गुलाब की तरह दिखती है. अब गुलाब की तरह दिखती है तो तरह हो गया, ये आपका लाइक लग गया, ये सिमिली हो गया. वो गुलाबी है, डायरेक्ट गुलाबी उसको बोल दिया गया, तो ये मेटाफर है. नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज. यहाँ पे कह रहा ओ मेरे प्रेमी, प्रेम, लव, तुम क्या हो, तुम एक रेड रोज की तरह हो. लाइक आ गया ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमिली. अब यहाँ पे हम बोल देते ओ माई लव तुम क्या हो, एक रेड रोज ही हो, तो ये मेटाफर हो जाता. नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स. जो डेथ है, जो मौत है, वो राजा पर अपने आईसी हैंड्स को रखती है. अब मौत क्या कोई औरत है या फिर कोई फीमेल है, कोई क्या है, कोई पर्सन है, नहीं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है जैसे कोई पर्सन है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड. यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्टल वुंड. ये नाउन है, मॉर्टल एक एडजेक्टिव. राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर एपिथेट. नेक्स्ट, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई सी कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो. यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इन विंडो. नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट. ये लास्ट ईयर आया भी था 2021 में, यहाँ पे है भी. वह एक अच्छा टीचर है लेकिन एक पुअर स्टूडेंट भी है. कंट्रास्ट कर दिया दोनों एक दूसरे को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस. नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस. ग्लांस मीन्स क्या होता है, एक झलक, मतलब एक झलक में उसने, मैंने क्या किया, 10,000 बार देखा. तो ये कहीं ना कहीं ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो हाइपरबली है. राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरबली. नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अलोन, अलोन, ऑल, ऑल, अलोन, अलोन ऑन अ वाइट सी. ये भी आपका लास्ट ईयर ही आया था, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, एलिट्रेशन हो जाएगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी. तो ये थे आपके फिगर ऑफ स्पीच, आपको कैसे लगे और आपने कितने सही किए इसमें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.